गन्नौर जीट रोड स्थित गुप्ती धाम में चोरी करने से के मकसद से आए पांच लोगों ने रसोईये पर हमला कर उतारा मौत के घाट। हम आपको बता दें कि कल रात की ये घटना है जहां पर चोरी करने के मकसद से पांच युवक आए और वहां पर जो चौकीदार था उसको बंधक बनाकर उसके बाद वहां पर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तो उसी दौरान जो धाम के संस्थापक हैं वो उठ गए और उन्होंने शोर सुनकर आसपास जो युवक रह रहे थे उनको आवाजें लगाई, तो उसमें रसोईये के सहित कई युवक जो वहां पर आ गए और उसके बाद रसोईया जो है उनको पकड़ने के लिए भागा, तो रसोइयों पर उन्हें तेज धार हथियार से हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना गन्नौर पुलिस को दी गई, गन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत भेज दिया गया। पुलिस ने जो है टीमें बनाकर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी और एफएसएल टीम को बुलाकर वहां से नमूने लिए गए हैं। हम आपको बता दें गन्नौर जीट रोड की घटना है। आज के धाम से हमें सूचना मिली भाई इस तरह से वहां नौ पांच आदमी घुस गए हैं जिन्होंने वारदात की है। यहाँ आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि पांच आदमी थे जो अननोन थे, लोकल भाषा हरियाणवी भाषा बोल रहे थे, जिन्होंने आके मेरे को दबा दिया और उसके बाद जब मैंने आवाज़ दी शोर मचाया तो यहाँ पे काम करने वाले देवेंद्र था और अनिल व ऋषि इस तरफ उन्होंने आवाज़ दी पे हमारे तो देवेंद्र बिल्कुल जो ऋषि अनिल तो दूसरी साइड में और ऋषि उस साइड में छत की तरफ चला गया। देवेंद्र मेरे पास आया तो देवेंद्र ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने देवेंद्र को जो वो चाकू और डंडे वगैरह लिए हुए थे उससे चोटें मारी। देवेंद्र को अस्पताल भेजा गया जहाँ पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में जो मौके पर चीज़ मिली है उनको डंडे वगैरह उनको कब्जे में ले लिया है, दूसरा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में SIT बना दी है जिसमें विवेक इंस्पेक्टर चौक इंचार्ज मैं तीनों अलग अलग टीम तैयार की गई है इस बारे में आगे वारदात को ट्रेस करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर किस किस से शिकायत मिली है? ये सिक्योरिटी गार्ड है संजीव कुमार जो यहाँ पे सिक्योरिटी में सर पहले भी कुछ दिन पहले भी चोरी की बात अटैम्प हुआ था उसमें क्या कर रहा है उसी को लेकर कोई नहीं वो उस तरह की वारदात थी उसमें अटैम्प्ट किया था उसमें सामान कोई नहीं गया जबकि यहाँ पे जब हमने विजिट किया तो सारा चांदी के बर्तन वगैरह भी वहाँ मिलते थे मिले थे उसमें जो मृतक है वो मृतक मध्य प्रदेश सागर जिले का है जो यहाँ पर करीब 1.5 साल।